हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने फेवरेट स्क्रब शेयर करूंगी। एंड आप लोगों को पता है स्क्रबिंग इज़ वेरी असेंशियल फॉर योर स्किन केयर। एंड बहुत ही अच्छे स्क्रब्स है ये, अलग अलग ब्रांड के मैंने लिए हैं। दो मेरे पास दो तीन और थे बट मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं करना, कुछ 5 to 6 स्क्रब है एंड अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं। एंड अगर आप अपने स्किन से प्यार करते हैं तो आपको स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज स्क्रबिंग से आपकी जितनी ब्लैकहेड्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है एंड जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ट्वाइस इन अ वीक यूज़ की जी। एंड अगर आप जैसे आप देखेंगे ना कि लोगों के वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब निकलती है, साथ में ऊपर से जो आपके डेड स्किन्स होते हैं वो भी निकालते हैं, डेड सेल्स होते हैं एंड आपकी स्किन को एक अच्छा सा फेस, मतलब ग्लोई ग्लोई फेस देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँगी खादी का, दिस इज़ खादी गोल्ड रोज इन पपाया स्क्रब। दिस इज़ अ स्क्रब एंड खादी गोल्ड का है, अच्छी ब्रांड है एंड छोटा है ये एंड इसका प्राइस आई थिंक 140 or 150 के आसपास होगा। ये 125 rupees का है। इस तरीके से ब्यूटीफुल जार में है एंड ऐसे रोज इन पपाया है तो इस तरीके का है, पिंकिश कलर का है, छोटे छोटे इसमें ग्रैनुल्स हैं। बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इजीली आपको अवेलेबल है, कहीं से मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन है एंड अफोर्डेबल है। जैसे मैंने बताया 125 rupees का है तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसमें रोज़ है, पपाया है, दोनों के दोनों आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रोज़ एक सूथिंग एंड कामिंग का काम करता है एंड पपाया आपकी स्किन से जितने भी वो होते हैं जो कहते हैं ना फेनेस का भी काम करता है पपाया। एंड उसके बाद है बायोटिक का बायो वॉलनट प्योरीफाई पॉलिशिंग स्क्रब। दिस इज़ अ स्क्रब, ट्यूब पैकेजिंग में आता है एंड बायोटिक को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं बता रही हूँ सारी के सारे एक अच्छी ब्रांड से हैं, अफोर्डेबल ब्रांड से हैं, इजीली अवेलेबल है एंड ये है आपका 75 rupees का है। ये अच्छा है, ये भी 50 gram का है एंड अच्छा है। एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। एंड वॉलनट का है तो वॉलनट का स्क्रब तो आप देखते हैं तो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा थिकी टेक्सचर में, मैंने देखा यूजली लोग वॉलनट का पसंद नहीं करते, खुद मेरी फैमिली में नोन में बोलते हैं हमें बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लगता है, बट ये अच्छा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, थोड़ा सा थिक है बट इट इज़ अ गुड स्क्रब एंड बायोटिक का है एंड आई लाइक बायोटिक अ लॉट। प्योरीफाई है तो आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, वॉलनट है तो दोनों की दोनों चीज़ें अच्छी होती है। उसके बाद आता है लोटस का वाइट ग्लो का ओटमील एंड योगर्ट का स्किन वाइटनिंग स्क्रब। एंड इफ़ यू वॉन्ट वाइटनिंग तो योगर्ट है, दही एंड आपका ओटमील दोनों के दोनों आपके स्किन के वाइटनेस वाइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग का काम करता है, ग्लोइंग का काम करता है। आप देखिए मेरा फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, ये देखें इस तरीके का है एंड इसका प्राइस है 150 rupees का है, अच्छा है। आप जब इसे यूज़ करेंगे ना, ये भी थोड़ा सा थिक टेक्सचर में है, थोड़ा सा आप इसे यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको एकदम से ही लगेगा वाइटनिंग, आपका फेस हो गया ग्लोई ग्लोई हो गया तो काफ़ी अच्छा है। ये मेरा बिल्कुल फिनिश होने वाला है, इस तरीके का है, आप देखें कितना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लोटस का वाइटनिंग ओटमील एंड योगर्ट वाइटनिंग स्क्रब ब्राइट करता है एंड ग्लो के लिए है। एंड उसके बाद है न्यूट्रोजेना का डीप क्लीन का डेली स्क्रब। दिस इज़ ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग स्क्रब, इफ़ यू आर फेसिंग ब्लैक हेड्स तो बहुत अच्छा है। न्यूट्रोजेना काफ़ी अच्छी ब्रांड है एंड बहुत सारी चीज़ें इसकी आती है एंड बहुत ही, ये ना आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ इट डेली एंड बहुत ही अच्छा सा थोड़ा सा ना, दिस इज़ अ टेक्स्चर, आप ये देखें ये वाला टेक्स्चर है इसका एंड अच्छा है। एंड इफ़ यू आर फेसिंग, आप ब्लैक हेड्स फेस कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। 40 gram का है ये एंड इसका प्राइस है 140 rupees का है। डीप क्लीन का है तो डेफिनेटली डीप क्लीन करता है एंड ब्लैकहेड रिमूवल में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है वन ऑफ माय फेवरेट, आजकल मैं इसे बहुत यूज़ कर रही हूँ, अरोमा मैजिक का मिनरल ग्रो स्क्रब। दिस इज अ वेरी गुड स्क्रब, मिनरल ग्रो है, इफ़ यू आर फेसिंग एजिंग एंड फाइन लाइन्स के लिए अच्छा है, ब्राइटनिंग का है, बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्रब एंड अरोमा मैजिक फर्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है एंड 175 rupees का है एंड दिस इज़ 100 ml का है एंड बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। बिलीव मी, जितने भी स्क्रब्स मैं बता रही हूँ चाहे वो अरोमा मैजिक का हो, ये बहुत अच्छा स्क्रब है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, चाहे वो न्यूट्रोजेना का हो, चाहे वो बायोटिक का हो या फिर आपका लोटस का हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्क्रब एंड खादी गोल्ड का भी, ये बहुत अच्छे स्क्रब है। एंड लास्ट में मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी, अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, टैनिंग जैसे आप सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एवर यूथ का टैन रिमूवल स्क्रब। दिस इज़ अ स्क्रब एवर यूथ का एंड काफ़ी पहले मैंने इसका रिव्यू भी, इनके सबके मैं रिव्यूज़ अपने चैनल में कर चुकी हूँ और इसका रिव्यू मैंने किया था, काफ़ी अच्छा है। टैन रिमूवल का चॉकलेट एंड चेरी का है तो सबसे पहले इसकी फ्रेग्रेंस, आप सबसे पहले आप ये देखिए इस तरीके का है चॉकलेट एंड चेरी का एंड काफ़ी अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसमें पैक भी आता है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, पैक आता है, आई थिंक सीरम आता है, आई थिंक देयर आर 2-3 थिंग्स ऐसे इसमें होती है एंड इसका प्राइस है
आई थिंक प्राइस 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 तो आई थिंक ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल है. आई थिंक 130 या 140 के आसपास का होगा. टैंडिबुल का है तो अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, टैन रिमूव करता है बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में. अगर आप इसे 2 to 3 इन अ वीक यूज़ कीजिए, ट्वाइस इन अ थ्राइस इन अ वीक, यहाँ मेंशन करके यूज़ 2 3 इन अ वीक, बहुत ही अच्छा है ये भी स्क्रब. तो ये बहुत अच्छी स्क्रब है, आप यूज़ कीजिए. इफ़ यू लव योर स्किन तो एक स्क्रबिंग आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए. एंड मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कभी मैंने अरोमा का कर लिया, जैसे करो अरोमा का लिया, न्यूट्रीजिना का कर लिया, इफ़ यू आर फेसिंग ब्लैक हेड्स या फिर ओटमील का ये वाला कर लिया, एंड आई होप हेल्पफुल होगा आपके लिए मेरा वीडियो. वीडियो हेल्पफुल होगा कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.